अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज बात होगी। आज का हमारा टॉपिक है टीनेजर्स के इश्यूज। अक्सर वालदैन कहते हैं कि आजकल टीनेजर्स बिगड़ते जा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, असातिज़ा, वालदैन या मीडिया एक्सपोजर? आइए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं और मिलते हैं अपने गेस्ट से। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं स्टूडियो में सहर पीरजादा, ये स्कूल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रोबेल्स की और एग्जाम सेल हेड भी हैं। वेलकम टू द शो एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। एंड उनके साथ तशरीफ रखती हैं फौजिया बुखारी साहिबा, ये मेंटर हैं लोअर सेकेंडरी स्कूल प्रोबेल्स और एजुकेशनिस्ट हैं बहुत अरसे से। अच्छा लेडीज़, आज का हमारा टॉपिक है टीनेज इशूज़। और जी सहार, तो हम आपसे सबसे पहले ये पूछेंगे कि ये जो टीनेज स्टेज होता है, ये एक बड़ा सेंसिटिव स्टेज होता है। बच्चे बहुत फिज़िकल, इमोशनल, हर किस्म के चेंज से गुजर रहे होते हैं, तो क्या वो वजूहात हैं जिनके बिना पे, अव्वल तो ये चेंज जाहिर सी बात है हार्मोनल है, फिज़िकल है, मगर इस चेंज को कैसे हैंडल किया जाता है? आप एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, आप लोग इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये समझना ज़रूरी है, हम इसके ऊपर बात तो करते हैं लेकिन हम शायद अंडरस्टैंड नहीं करते कि हमारे बच्चे वाकई इस चेंज के थ्रू दे गोइंग थ्रू इट। ये कहना आसान है कि हाँ वो बड़े हो रहे हैं, अब वो फ़र्क सोचेंगे, लेकिन इट्स बॉन्ड बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपके बाहर आपकी दुनिया चेंज हो रही है, आपके ख्यालात चेंज हो रहे हैं, आप बहुत सारी अवेयरनेस आप में आ रही है अपने बारे में, दुनिया के बारे में, जो पहले नहीं थी। सही। द बेस्ट वे टू हैंडल दैट इज़ आप उनसे बात करें, आप गुफ्तगू करें और आप ये एक्सेप्ट करें कि दे नीड टू नो दीज थिंग्स। ठीक है। पुराने ज़माने में जैसे होता था कि माँ बाप के बीच में और बच्चों के बीच में एक डिस्टेंस था। ठीक है अपनी जगह पे वो अच्छा था, एक अदब था, एक तहजीब थी जो होनी चाहिए, लेकिन ज़माने के साथ साथ ज़रूरत भी ज़माने की बदलती है। सही। अब अगर हमारे बच्चे हमसे नहीं पूछ सकेंगे, माँ बाप से नहीं पूछ सकेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, आई एम हैविंग दीज फीलिंग्स, अगर हम ओपनली उनके बारे में बात कर सकते हैं तब उनको बेहतर गाइड कर सकते हैं। सही। सो द फर्स्ट थिंग इज़ रियली टू अंडरस्टैंड कि वो चेंजेस आ रही हैं, अंदर से भी आ रही हैं, बाहर से भी आ रही हैं, फीलिंग्स भी उजागर हो रही हैं। ठीक है। डिनाई करना उनको ये नहीं होगा कि दिल गो अवे। ठीक है। यू नीड टू एक्सेप्ट दोज इन द चाइल्ड एंड बी open enough to talk to them about different things that they're experiencing. क्या वो changes हैं जिनसे वो गुजर रहे हैं? फौजिया आप बताइए, क्योंकि आप जब आपके पास बच्चे उस स्टेज में आते हैं तो आप हैंड्स ऑन उनसे डील कर रही होती हैं और आप देखती हैं कि भाई वो एक नॉर्मल से एक बच्चे से, मासूम से बच्चा इज़ द राइट वर्ड, से एक वो बहुत ही शायद बदतमीज़ और हाइपर, मैं कहूँगी क्योंकि अक्सर यही टर्म्स सुनने में आते हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो जब बच्चे जब रिएक्ट करना शुरू करते हैं, जब उनमें ये चेंजेस आना शुरू करते हैं, तो वी नीड टू हैव मोर देन जस्ट आवरसेल्व्स एंड द स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन। हमें वालदैन को भी इसमें इन्वॉल्व करना होता है। ठीक है। दे नीड टू बी अवेयर, उनको पता होना चाहिए, और उनको हम अक्सर बताते हैं कि ये आपका जो बच्चा इस वक्त रिएक्टिव हो रहा है, वो कहते हैं जी सडनली ये मेरा बच्चा जो है बदतमीज़ हो गया है, इसके दोस्त ऐसे हो रहे हैं, या टीवी का इन्फ्लुएंस है। ठीक है। उनको पहले तो हम समझाते हैं, क्योंकि वही बात है कि हमारे जो ज़माना था उस वक़्त ये बातें खुलेआम नहीं डिस्कस की जाती थी। ठीक है। हार्मोनल चेंजेस हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, कहते थे नहीं बस ये है और इस तरह होगा। ठीक है। ठीक है। अब ये है कि अब हम पेरेंट्स को भी समझाते हैं, उसके बाद हम उन बच्चों को स्पेस देते हैं। यस यू डू, यू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि अक्सर आई एम सॉरी टू कट यू देयर फौजिया, मगर अक्सर ये देखा जाता है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि अब टीचर्स उतनी स्ट्रिक्ट नहीं रही या उतना डिसिप्लिन नहीं रहा स्कूल्स में, तो शायद उस वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? बिफोर आई कम टू दिस, मैं इसके ऊपर आपसे बात करूंगी, लेकिन एक और चीज जिसमें जो हम पहले बात कर रहे थे, पेरेंट्स का रिएक्शनरी होना उनको नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी। ठीक है, समझाइए इस टर्म को। मैं आपको बताती हूँ, अब अगर एक बच्चे ने बदतमीजी की या एक बच्चा आया उसने दरवाज़ा थाड़ करके मारा और वो मैंने नहीं, आई डोंट वांट टू हैव डिनर, और मैं बाहर नहीं जा सकता, ये वो, तो पेरेंट्स का रिएक्शन बिकॉज दे फील आउट ऑफ कंट्रोल, उनको समझ नहीं आती वो क्या करें, तो वो सख्ती करते हैं, पहली चीज़ें करते हैं, तुम्हारा टीवी बंद, तुम फ्रेंड्स के साथ नहीं जाओगे, अपना मोबाइल दे दो। सही। इमीडिएटली आपने ब्रिज तोड़ दिया है अपने बच्चे के बीच में से,
और अपने बीच में से आपकी इंटेंशन बुरी नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने हैंडल कैसे करना है. सो माँ बाप के लिए ये सबसे जरूरी बात है और इसके लिए बड़े सब्र की जरूरत है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है बच्चा हाथ से गया, मैंने गवा दिया बच्चा. ठीक है, आप रिएक्शनरी ना हो, आप अपने रिएक्शंस इस तरह नहीं शो करें. तो फिर क्या करना चाहिए एक पेरेंट को, सहर आप बताइए. जैसे फौजिया ने बोला, उनको थोड़ी सी स्पेस दें. वो मूड आपके, देखिए, यू सर्जिंग विद हॉर्मोन्स, आपके अंदर एड्रेनलिन का रश हो रहा है उस वक्त. ठीक है, वो आपके मूड को भी चेंज कर रहा है. आप बच्चे को टाइम दें, लेट हिम रिएक्ट, लेट हिम काम डाउन. हाँ, और उस चेंज से एडजस्ट होने का मौका, एडजस्ट होने दें. उसके बाद या वो माँ का रोल हो या बाप का रोल है, हर फैमिली में एक बंदा होता है जो ज्यादा बात करता है, दूसरा सख्त होता है. ठीक है, दिस इज यू नो गुड कॉप बैड कॉप, सारे माँ बाप प्ले करते हैं. बिल्कुल, आप जाके बात करें, बेटा व्हाट्स रॉन्ग. अ लॉट ऑफ टाइम्स दे नीड टू टॉक टू यू, मेरी आज झगड़ा हो गया, मुझे फलाने ने मेरे बारे में ये कह दिया कि तुम्हारे बाल ऐसे हैं या तुम्हारी स्किन ऐसी हो गई है, या स्कूल में कोई मसला हो गया, किसी और बच्चे ने तंग कर दिया. और बचपन में वो बच्चा उसको पी जाए, लेकिन अब क्योंकि हार्मोनल इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि उससे अपनी फीलिंग्स हैंडल नहीं होती, तो आप एक ब्रिज बनाएं, आप रिएक्ट ना करें. बहुत कुछ जो गुफ्तगू से आपके बच्चे के साथ रिजॉल्व हो सकता है, वो उसका टीवी ले लेने से या बाहर नहीं जा सकते, दोस्तों को छोड़ दो, आपको एलियनेट कर देगा अपने बच्चे से. सही है, तो वो कम्युनिकेशन आप कह रही हैं, ऑडियंसेस को भी हम समझाना चाहेंगे कि अपने बच्चों से बात कीजिए, अपने बच्चों से पूछिए कि उनके साथ क्या, क्योंकि हो सकता है उनके साथ स्कूल में कोई ऐसी चीज हो रही हो, किसी किस्म की अब्यूज या कहीं और भी. आई वुडंट से कि सिर्फ स्कूल एनवायरनमेंट, कहीं भी कुछ भी हो सकता है. कोई बच्चों को रिएक्ट ना करें आप. ठीक है, ठीक है, मतलब फौरी तौर पे आप उन्हें डांटिए मत, या फिर हमारे, एक मैं बात कर रही थी बिफोर द ब्रेक एक और दोस्त से, कि हमारे ज़माने में ये था कि माँ बाप ने जो कह दिया वो आपने मानना है, यू नो राइट और रॉन्ग. अगर अम्मी ने ये कहा है कि आज बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना. आजकल के बच्चे, एंड दैट वुड इंक्लूड माय ओन टीनेजर, वो आर्ग्यू करते हैं, वो जिद करते हैं, वो डिबेट करना चाहते हैं कि क्यों नहीं जाना, मुझे समझाइए. तो ये बहुत एक देखा जाता है. अच्छा, दूसरी चीज़ मैं फौजिया आपसे पूछूंगी कि कुछ माँ बाप ये भी कहते हैं कि इस स्टेज पे आके, या वैसे भी जनरली पढ़ाई का बोझ इतना बढ़ता जा रहा है बच्चों पे कि कई दफ़ा वो हैंडल नहीं करते, तो ये जब उनका हार्मोनल फेज आता है तो वो मजीद एग्रीवेट हो जाता है, या मजीद वो रिएक्टिव अग्रेसिव बन जाते हैं बच्चे. मेरे ख्याल में इस स्टेज पे आके जो सबसे सक्सेसफुल टेक्निक है वो ये है कि आप उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को, उस बेटे को, बेटी को, आप ये फीलिंग दें कि यू आर मैच्योर और मैं आपकी बात समझती हूँ या समझता हूँ और मैं आपको सुनूंगा. सही. और आप वाकई सेंसिबल बात कर सकते हो, आप बच्चे नहीं हो. ठीक है, जब उनको ये फीलिंग होगी तो वो दे विल बी ओपन टू ऑल ऑप्शंस. ठीक है, तो उनको एक एडल्ट की तरह ट्रीट कीजिए. जब एक नौजवान की तरह ट्रीट, सबसे पहले तो गिव देम दैट रिस्पेक्ट. वो उस वक्त आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, आप उनको वो रिस्पेक्ट दीजिए, वो सो दैट दे फील दैट दे आर अ पॉजिटिव part of their environment. Certainly. Not just being admonished कि मैं ये भी बुरा करता हूँ ये. जब उनको ये positive environment मिलेगी तो वो चाहे academics हो, चाहे वो other social behaviors उनके इर्द गिर्द लोगों के साथ dealing है, वो सब चीज़ों में maturity आ जाएगी. और then the other thing, we are at the same phase teaching them कि ये अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हों. वी आर टीचिंग देम टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस. ठीक है, ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे लोग इस नहीं रियलाइज करते. हमने बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंकनी है और उनसे कहना कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं. तो ये जो पढ़ाई के बोझ का सवाल पूछा जाता है, और अक्सर माँ बाप, आप कहीं भी चले जाइए, अक्सर माँ बाप ये कहेंगे कि भाई हमारा बच्चा तो अब क्लास 8 या 9 में पहुंच गया और इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया. जब हम बच्चे थे तो स्पोर्ट्स का भी हमें टाइम मिलता था, दोस्तों से मिलने का भी मिलता था, नाना नानी के घर जाने का, रिश्तेदारों का. तो इज दैट ट्रू कि बोझ बढ़ गया? आई थिंक आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया. बोझ हाँ पढ़ाई का होता है, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो मैं आपसे, एक तो ये कि पढ़ाई अब बहुत ग्रेड सेंट्रिक हो गई है. लोग सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए पढ़ाई नहीं करते, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया दैट एवरीबडी वांट्स टू एक्सेल. नाउ जिस तरीके जो वो रास्ता इख्तियार करते हैं इसको हासिल करने का, इज़ नॉट नेसेसरली द मोस्ट इफेक्टिव. ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ना ये वो से आपकी ट्यूशन में जिसके ऊपर आ रही थी, ये एक कल्चर है फ़र्क. ठीक है, दैट इज़ नॉट
endorsed by the school, any school. हाँ, बिल्कुल. And it is not a requirement. मगर वो pressure से correlated है. I don't think it's pressure. ठीक है. I think that's culture. नहीं, मगर सहार अक्सर ये देखा जाता है बिकॉज बच्चे चाहते हैं कि हम एज लाएं स्ट्रेट. ये एज वाला जो प्रेशर है कि हमारे स्ट्रेट या माँ बाप का परहैप्स प्रेशर होगा. एज एन एजुकेशनिस्ट आई मस्ट करेक्ट यू हियर. यस, एक छोटी परसेंटेज जरूर होगी जो इस प्रेशर में जाके ट्यूशन सेंटर जाती है, बट जो मेजोरिटी है वो ट्यूशन क्यों लेती है उसका आई एम सॉरी बट इट इज अ सोशल कल्चरल इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड एंड द फैमिली. पहली बात ये कि अब ये सवाल उठता है, अच्छा तुम ट्यूशन नहीं लेते हो? बिकॉज एक कल्चर है, एवरीबडी टेक्स ट्यूशन. एक स्टेटस सिंबल है नंबर वन कि आप ट्यूशन लेते हैं. नंबर टू, ट्यूशन बच्चे सिर्फ पढ़ने नहीं जाते, इट्स एन आउटलेट फॉर देम. दे मीट देयर फ्रेंड्स. अच्छा. वो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ यू नो दे हैंग आउट, शोवल मेला होता है, एक शाम की एक आउटिंग होती है उनकी. ठीक है, ठीक है. नंबर दो. नंबर तीन ये है कि अब क्योंकि ये कल्चर ट्यूशन का डेवलप हो गया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. ठीक है. बट बहुत सारे टीचर्स भी इसके ऊपर रिलाय करते हैं कि ये बच्चा ट्यूशन जब पढ़ेगा, चाहे उन्हीं के पास जा रहा है ट्यूशन के लिए, चाहे कहीं और जा रहा है, ये रीइंफोर्स हो जाएगा. नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि बच्चा क्लास में ही स्विच ऑफ हो जाता है कि ट्यूशन में कर लेंगे. या फिर ये भी हो सकता है कि जो टीचर्स ट्यूशंस देना चाह रहे हों परहैप्स वो उतना ज्यादा फोकस ना करते हों क्लासरूम में. यू थिंक वी कैन मेक इन सम केसेस दैट मे अप्लाई. सो गोइंग बैक टू, ठीक है नाज़रीन, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और दोबारा आएंगे और सहार से और फौजिया से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे.